हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो न्यू गोल्ड सोर्ड 542 का रिव्यू करने वाले हैं। पूरा क्लियर आपको करके बताएंगे कि शॉट को कैसे खेलना है। ये शॉट थोड़ा सा ट्रिकी है, यॉर्कर के लिए इसकी पोजिशन अलग है और बाकी की जो लेंथ वाली गेंद है उनके लिए जो पोजिशन है वो अलग रखनी पड़ेगी। आपको कितना डिस्टेंस रखना है सारा डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो मन तक बनेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस शॉट को बाय करने के लिए आपको जो वो 8 गोल्ड फ्रैगमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट मैप के अंदर सबसे पहले आपको इसको जो है बाय करना पड़ेगा 8 गोल्ड फ्रैगमेंट के साथ। और जैसे आप बाय कर लेंगे उसके बाद आपको आ जाना है शॉर्ट मैप के अंदर। और शॉर्ट मैप के अंदर आने के बाद आपको करना है कि स्ट्रेट को आपका जो रीजन है वो सिलेक्ट करके एडवांस शॉट है, ये एक स्पेशल शॉट है। तो वहाँ पर लॉफ्ट के ऊपर क्लिक करके ये जो शॉट है सारे बैट्समैन जितने भी टाइप के बैट्समैन है, डिफेंसिव हो गए, बैलेंस हो गए, ब्रूट हो गए या फिर रेडिकल हो गए, चारों टाइप के बैट्समैन के पास ये जो शॉट है वो अवेलेबल रहता है। तो 542 इसका जो वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सेव कर देना है। उसके बाद चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या पोजिशन रहना चाहिए, क्या टाइमिंग है, कैसे खेलना है। तो चलिए आप सीधा गेम के अंदर चलते हैं। ये इसकी जो है वो अलग अलग पोजिशन है, लेकिन आप दो स्टेप्स का डिस्टेंस जो है वो आप रखेंगे तो आपका ये जो शॉट है वो आसानी से कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन यॉर्कर बॉल के लिए आप इसको एक एक स्टेप पीछे रहकर भी खेल सकते हैं। यॉर्कर बॉल जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट बॉल होगी, स्लो बॉल हो गई और कटर बॉल हो गई। अगर यॉर्कर आपको कोई भी ओपोनेंट ये कर रहा है इन वेरिएशन में से कर रहा है स्ट्रेट, स्लो और कटर बॉल, तो आप आसानी के साथ आप एक स्टेप का डिस्टेंस रखकर आप इसको जब प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर फुलर लेंथ बॉल है, अगर आपका एक स्टेप का डिस्टेंस है या फिर गुड लेंथ बॉल है आपका एक स्टेप का डिस्टेंस है, तो आपको ये जो शॉट है वो कनेक्शन नहीं होगा, बॉल मिस हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर फुलर लेंथ बॉल था पिछला, आप देखिए ये थोड़ा सा पीछे गेंद है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ज़्यादा भी आगे जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा कम कर देंगे, तो भी आपका ये जो कनेक्शन है वो नहीं होने वाला है, बॉल सीधा के बॉडी पर लग जाएगा। और बाउंसर पर ये जो शॉट है वो कनेक्शन नहीं होता है, बाउंसर पर बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता। आप देखिए फुलर लेंथ बॉल थी, मैंने दो स्टेप का डिस्टेंस जो कि रख लिया और ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आसानी के साथ ही इसका जो है वो कनेक्शन हो गया और ये 6 रन हो गया। अब इसका डिस्टेंस दोबारा से देखिए मैं एक बार फिर से कवर कर लेता हूँ। यानी कि आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले दो स्टेप का डिस्टेंस आपको रख लेना है पीछे वाली गेंद पर। यॉर्कर गेंद को हालांकि आप एक स्टेप का डिस्टेंस रख के खेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको वहाँ पर भी सुजेशन करूँगा कि दो स्टेप का डिस्टेंस बना के खेलिए, काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं और टाइमिंग इसकी है कि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा स्पेशल शॉट्स है वो आपको यहाँ पर अर्ली खेलने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा अर्ली खेलेंगे और जो भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो स्टेप्स का डिस्टेंस था और यहाँ पर मैंने खड़े खड़े खेल दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर एंगल के साथ बॉल जो है वो बाहर की तरफ जा रहा था और बॉल में कोई भी स्विंग नहीं था, बिल्कुल सीधा बॉल रहने वाला था और दो स्टेप का डिस्टेंस हमारा बना हुआ था और मैंने खड़े खड़े खेला और कितना अच्छा टाइमिंग हो गया और बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट निकला और 92 मीटर का ये सिक्स हो गया। तो काफ़ी अच्छा ये कमाल का शॉट है, ब्रैंडन मैकल्लम का ये कमाल का शॉट, आप इसको जो है प्रेफर कर सकते हैं स्ट्रेट के अंदर। आपके यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी शॉट जरूर है, लेकिन आप इसके शॉट को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं एकदम से। यहाँ पर एक यहाँ पे देख सकते हैं कि फुलर लेंथ बॉल है, यॉर्कर भी कह सकते हैं इसको, और मैंने दो स्टेप का डिस्टेंस यहाँ पे बनाया और ये देखिए आसानी के साथ अच्छा कनेक्शन मिला और 6 रन हो गया। तो यही इसका पोजिशन है कि दो स्टेप का डिस्टेंस आपको रखना है या फिर 1.5 भी चल जाएगा, लेकिन दो स्टेप का डिस्टेंस होना जरूरी है। टाइमिंग इसकी है कि आपको अर्ली टाइम करना है, जितना ज़्यादा अर्ली टाइम करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो शॉट है उतना ही अच्छे से लगेगा। और टाइमिंग भी ये है कि बहुत ही अर्ली आपको ये जो शॉट है वो खेलना पड़ेगा। जैसे कि फास्ट बॉलर है तो आपको बॉल के जैसे ही वो अपने हाथ से बॉल को डिलीवर करे वैसे ही आपको खेल देना, आपको ये जो शॉट है वो कनेक्शन हो जाएगा। और वाइड यॉर्कर के लिए ये काफ़ी अच्छा शॉट है, वाइड यॉर्करों को भी ये जो शॉट है वो आसानी से कनेक्शन कर लेता है अगर आपके की पोजिशन सही है, बिल्कुल टाइमिंग भी सही है, तो आसानी के साथ आपका ये जो शॉट है वो कनेक्शन हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा पीछे गेंद है, शॉर्ट पिच बॉल थी और ये देखिए मैंने खेलने की ट्राई किया और ये जो शॉट है वो नहीं लगा, मिस हो गया। तो इस तरीके से आपको बाउंसर के ऊपर इस शॉट को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। बाकी आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।